फैक्टराइजेशन रूल, लिखिए मेथड टू को बोलते हैं फैक्टराइजेशन रूल, फैक्टराइजेशन रूल। तो मेथड टू देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो मेथड टू देखिए, इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा इस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर। अगर ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका बोल दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा उस इक्वेशन का रूट है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको भी छोड़िए, एक्स का वैल्यू ले लीजिए टू और फोर, तो एक को बोल देंगे अल्फ़ा, एक को बोल देंगे बीटा। मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू टू और फोर है, इसमें से एक अल्फ़ा है एक बीटा है। अब हमको कोई बोले कि एक इक्वेशन बनाइए जो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x माइनस टू और x माइनस फोर इसका फैक्टर होगा और ये जीरो के वैल्यू के बराबर होगा। तो जो ए इसको ओपन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसी का तो ए सॉल्यूशन होगा। जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस टू एक्स मिल जाएगा, माइनस फोर एक्स, टू फोर जा एट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब x का वैल्यू हमको मालूम था, जब रूट मालूम था कि टू और फोर है, तो हमको इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया कि फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इजकल टू जीरो। ठीक उसी प्रकार यदि ये हमको इक्वेशन मालूम है और इसका रूट भी मालूम है, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन 100% बराबर नहीं है, फिर भी बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 99% तो बराबर है। अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये इक्वेशन पूरा 100% बराबर हो गया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों 100% अब बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं। जब पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ मिल जाएगा बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ओपन करते हैं देखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, तो माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर एक्स इंटू माइनस बीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस, अगर माइनस एक्स कॉमन यहाँ से ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, क्या है, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। तो अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट क्या है, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है बी वाई ए, बी वाई ए, तो सच डैट अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी वाई ए, जो कि मैथड फर्स्ट से आया था, सेम टू सेम डेरिवेशन मैथड सेकंड से आ गया। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी वाई ए, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, सी वाई ए,